गुड के मॉर्निंग लीडर्स और मैं आज आपका दोस्त रुपेश कुमार सैनी फ्रॉम जयपुर आपका होस्ट और साथियों आज का दिन वाकई में बहुत जबरदस्त बहुत शानदार बहुत अल्टीमेट और मैं कहता हूँ इतना जबरदस्त इतना अल्टीमेट इतना नॉलेजेबल होने वाला है कि हर कोई मोदी केयर का कमांडो बनने के लिए उत्साहित रहेगा और जैसा कि आप सबको मालूम है मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रचना मैम का जिन्होंने परमार सर का जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और साथियों आज मेरा सौभाग्य है कि जिस महान इंसान के मैं वीडियो सुनता था आज उन महान इंसान को इन्वाइट करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और साथियों आज का जैसा जैसा कि आप सबको मालूम है आज का टॉपिक बहुत शानदार बहुत अल्टीमेट और बहुत जबरदस्त है जो हमारे इस बिजनेस की आन बान शान है जैसा कि आप सबको मालूम है आज सत्ताईस 27 28 तारीख हो चुकी है 28 तारीख हो चुकी है क्लोजिंग भी है और सबसे उससे पहले मैं बात करूं जो हमारे इस बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए और इस बिजनेस को सुपर डुपर आगे बढ़ाने के लिए जो चीज की जरूरत होती है वो होम मीटिंग भी होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मुनिश सर का जो टॉपिक है वो होम मीटिंग और ट्विजिंग का टॉपिक है और सबसे अच्छी बात है कमांडोटिंग और कमाल की बात यह है कि उनके पास नॉलेज का तो खजाना है और साथियों आज बारी आ चुकी है जितना ज्यादा हमें नॉलेज का खजाना लूटना है तरीके से सिस्टम से बैठकर मैं कहता हूं जूम पे मत समझिए एक सेमिनार हॉल में बैठे हुए उस तरीके से इस, इस जूम सेशन को आप अटेंड करें डायरी पेन निकाल लीजिए हर एक टॉपिक को मुनीश सर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को नोटिस करिए मैं कहता हूं हर एक शब्द बहुत अनमोल होने वाला है और साथियों मैं आज काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वेरी एक्साइटेड और कमल की बात यह है कि आज सर को लाइव सुनने का मौका भी मुझे मिल रहा है तो साथियों डियर लीडर्स तैयार हो जाइए और उस महान इंसान को सुनने की बारी आ चुकी है और मैं आपके और उन महान शख्सियत के बीच में ज्यादा वादा नहीं ना बनते हुए इनवाइट करना चाहूंगा और सबसे कमाल की बात है कि पंजाब के वो बब्बर हैं पंजाब के शहनशाह हैं और मोदी केर के बेताब बादशाह हैं गुड स्पीकर है जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है मैं कहता हूं उनको सुन लेना उनकी जिंदगी में उद्धार नहीं मैं कहता हूं सब कुछ हो जाएगा और सबसे कमल की बात है कि सर के कल कल चेट्सविथ सुरेंद्र वर्ष का जो वीडियो था सर का सुन रहा था तो सुरेंद्र सर भी ये बोल रहे थे कि मनीष सर आपके अंदर जो एनर्जी है एक्साइटेडमेंट है कि सर इसका राज क्या है तो साथ में सबसे अच्छी बात है आज सर को लाइव सुनने का भी हमें मौका मिल रहा है तो मैं आप सब जबरदस्त लीडर की क्लैपिंग के साथ इनवाइट करने चाहूंगा पंजाब की आन बान शान मोदी केयर की आन बान शान जबरदस्त मोटिवेशनल जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर कमाल की नॉलेज वाली स्पीकर वन सीआर आजादी क्लब मेंबर मेंबर और पंजाब की आन बान शान मिस्टर मुनीष चोपड़ा जी सर प्लीज कमोंदा जूम सेशन सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर और आज मेरा सौभाग्य है सर कि मैं आपका बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा फैन हूं सर प्लीज सर थैंक यू थैंक यू रुपेश भाई थैंक यू सो वेरी मच आपने बड़ा वार्म वेलकम किया बहुत शब्द बोल दिए आपने हाई भाई तो थैंक यू सो मच सो एज इंट्रोड्यूस दोस्तों नाम मुनीश चोपड़ा पेशे से एक आई टी कंसल्टेंट हूँ वाइफ पूडा चोपड़ा वो भी आई टी कंसल्टेंट दो बच्चे और आज से साढ़े आठ साल पहले मोदी मोदीगर का सफर शुरू किया था उससे पहले का जो मेरा जर्नी था वो एक जॉब करता था एक मल्टीनेशनल कंपनी थी इंडिया की लीडिंग एमएनसी इंफोसिस वहां पर सीनियर कंसल्टेंट था और उसके बाद आ, कुछ और देखा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया आईटी कंसल्टेंसी का उसमें भी काफ़ी मेहनत की ग्रो किए लेकिन आ, लाइफ में जो फ्रीडम चाहिए थी जो फ्री बर्ड बनना चाहते थे जो बड़े बड़े सपने थे बढ़िया घर बढ़िया गाड़ियां वो ट्रेडिशनल लाइफ में पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे तो अचानक किसी दोस्त के द्वारा मोदी के जाने का मौका मिला मोदी कर के प्रोडक्ट्स यूज किए और मैंने जब देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग कामयाब हैं मोदी कर के अंदर तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं बस फिर क्या था दोस्तों जर्नी शुरू हुई मोदी के ज्वाइन किया काम करना शुरू किया और आज दोस्तों भगवान की कृपा से आठ साल के सफ़र के अंदर साल की एक करोड़ प्लस के इनकम पे पहुंच गए पाँच गाड़ियाँ ली केटन स्कॉडा फॉर्च्यूनर जैगवार और अभी बेटी को थार लेके दी फ्यू मंथ्स बैक बहुत सारी फ़ॉरेन कंट्रीज ट्रेवल की और आ, बहुत प्यारा सा एक अमृतसर में एक विला लिया जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू जी कपिल शर्मा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के विलाज हैं वहीं पर हमारा मोदीगर का विला हमने लिया और चंडीगढ़ में भी घर बनाया तो मतलब जो एक आम इंसान की जरूरतें होती हैं जो सपने होते हैं वो भगवान ने सारे पूरे कर दिए दोस्तों मोदी के से आज तो दोस्तों हर रोज सुबह उठते हुए ही और रात को सोने से पहले भगवान के बाद समीर मोदी जी का पूरी कंपनी मैनेजमेंट का हमारे कंट्री अपलेन मेंटर सुरेखा जी का और पूरी टीम का शुक्राना करके ही दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो भगवान ने मोतीकर हमारी जोली में डाल दिया सच में ऐसे लगता है जैसे कोई पुण्य कर्मों का फल था हमारा पिछले जन्म का जो मोदी कर हमारी जिंदगी में आ गया और टुडे वी फील वेरी ब्लेस्ड और बड़ा कंटेम्प्ट फील करते हैं जिस पोजीशन पे हम हैं जहां पर थे और जहां पर ले आए ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मिली मिली हैं दोस्तों बहुत ही प्यार मान सम्मान मिला कल ही एक चैट विद सुरेंद्र सेंद्रवश पे हमारा इंटरव्यू आया था जो रुपेश जी भी बोल रहे थे उससे पहले भी ए न्यूज़ पे भी एक प्रोग्राम आया था ठीक है तो बहुत ही प्यार दिया मोदी केर ने और बहुत ही सम्मान दिया सोसाइटी के अंदर मोदी केर ने सो so, हम दिल से थैंकफुल हैं ठीक है और आज का जो सेशन है जो आज एलडीपी है शुरू करने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक कहानी की शुरुआत करना चाहता हूँ मैं एक बार क्या होता है जापान के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है और बाय बर्थ ही उसकी जो राइट बाजू होती है वो होती नहीं है राइट तो आम होती नहीं उसकी उसके पापा का सपना होता है यार उसको मैंने रेसलर बनाना है ठीक है तो जब वो जाता अखाड़े के अंदर तो जो उसके कोच होते हैं वो बोलते हैं यार इसकी तो बाजू नहीं है राइट तो ये कैसे कर पाएगा तो उसके पापा का बड़ा फर्म बिलीफ होता है भाई नहीं यार मैंने इसको करवाना है करवाना है रेसलर बनाना है बढ़िया वाला पहलवान बनाना है दोस्तों तो वो एनी हाउ वो कोच उसको ले लेता है उसको सिखाना शुरू करता है सिखाना शुरू करता है दिन निकलते जाते हैं और एक स्किल कोच उसको सिखा देता बच्चे को हालात चाहे जैसे मर्जी थे एक बाजू नहीं थी लेकिन वो कोच एक स्किल सिखा देता उसको वो ऐसी स्किल होती है अगर वो बच्चा वो दाव लगा देता किसी भी लड़ाई के अंदर तो वो दाव का कोई तोड़ नहीं होता था दोस्तों वो ऐसी स्किल सिखा दी उसके उस्ताद ने तो ऐसे फाइट शुरू होनी हुई पहले लोकल सिटी में होती थी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी शुरू हुई उसका नाम होना शुरू हुआ हर फाइट के अंदर जैसे ही वो कामयाब हो जाता था वो स्किल लगाने के अंदर वो दाव लगाने के अंदर तो वो दाव टूट नहीं पाता था और वो रेस जी वो जो फाइट होती थी वो जीत जाता था ऐसे फिर स्टेट लेवल पे आना शुरू हुआ नेशनल लेवल पे आना शुरू हुआ तो बहुत नाम हो गया दोस्ता उसका तो एक बार उसकी इंटरव्यू हुई तो प्रेस वालों ने पूछा कि यार आपकी बहुत ही एक जबरदस्त स्किल है जब भी वो दाव आप लगा लेते हो तो कोई भी पहलवान हो वो अपने दाव, आपके दाव से निकल नहीं पाता उस दाव को तोड़ नहीं पाता आपको हरा नहीं पाता और अल्टीमेटली आपकी जीत हो जाती है। इसका सीक्रेट क्या है क्या इसका कोई तोड़ है कोई इसका तो वो बोलता ये जो मुझे स्किल मैंने सीखी है जो मैंने दाव सीखा है इसका तोड़ है इसका एक ही तोड़ है अगर कोई भी पर्सन ये दाव लगा ले ये स्किल लगा ले ये टनीक लगा ले तो उसको हराने का उस दाव को तोड़ने का एक ही तरीका है राइट बाजू से पकड़कर उसको नीचे फेंकना होता है और भगवान ने मेरी राइट बाजू नहीं दिया यूनिक स्किल थी दोस्तों सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप एक ऐसी स्किल सीख लो जो आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों तो बिलीव मी हालात चाहे कैसे भी हो आप इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़पति बन सकते हो जी हाँ माई डियर फ्रेंड्स और उस स्किल का नाम है होम मीटिंग होम मीटिंग एक ऐसी स्किल है दोस्तों अगर आप होम मीटिंग करना सीख लेते हो ना तो बिलीव मी हालात चाहे कैसे भी हो, ऑफर चाहे कोई भी आए कोई ना आए कोई प्रमोशन आए कोई ना आए आपके बिजनेस के अंदर हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी दोस्तों दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं अक्रॉस ऑल द कंपनीज उन सब की एक जो कॉमन स्किल है ना दोस्तों जो सभी स्किल्स के ऊपर भारी पड़ जाती है वो है होम मीटिंग करना दोस्तों हर एक कामयाब नेटवर्कर की जिसका बिजनेस स्टेबल है उसकी जो स्किल है जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है होम मीटिंग आज हम होम मीटिंग के ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों सारा टॉपिक ही आज होम मीटिंग के अराउंड चलेगा बिलीव मी अगर आप इसको आज सीख लोगे ठीक है और आप इसको एग्जीक्यूशन करना शुरू करोगे इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे फील्ड के अंदर तो बिलीव मी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके इन मोदी के ठीक है, है तो आज मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं आज जो भी मैं सिखाऊंगा आपको मैंने अपने गुरु मां सुरेखा जी से सीखा है ठीक है तो आज वही चीजें आपको शेयर करूंगा मैं ठीक है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मेरा फेवरेट टॉपिक है तो आइए सीधा उसके ऊपर चलते हैं उसके ऊपर आज बातचीत करते हैं ठीक है तो जस्ट गिव मी अ मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक एक करके धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे आज काफी चीजें हैं जो आज, आज आप लोगों से शेयर करनी है ठीक है सो so, सबसे पहले होम मीटिंग होती क्या है एक्चुअली होम मीटिंग दोस्तों बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं एक होता है वन टू वन जब आप करते हो किसी के घर जहाँ आप उसके घर जाते हो फिर ग्रुप मीटिंग होती है जो बाहर होती है बी मीटिंग जो होटल में मीटिंग करते हो ठीक है जहाँ किसी हॉल के अंदर मीटिंग करते हो जिसको बी ओम भी बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग सब मीटिंग बढ़िया होती हैं एक हमारे इवेंट होते हैं बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार उसमें भी आप कई बार अपने गेस्ट को लेके जाते हो सब मीटिंग अपनी अपनी जगह बढ़िया है लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इस इंडस्ट्री के अंदर वो होती है दोस्तों होम मीटिंग होम मीटिंग एक ऐसा टूल है दोस्तों जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आज आपको बताएंगे और अगर आप होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड कर देते हो दोस्तों तो मेरेक्ल्स होने शुरू होते हैं आपके बिजनेस के अंदर ठीक है होती क्या है होम मीटिंग एक्चुअली देखिए होम मीटिंग क्या होती है जब आप अपने घर या किसी के घर डाउनलाइन के घर तकरीबन छ से आठ लोगों की मीटिंग करते हो इंक्लूडिंग योर गेस्ट ठीक है उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो कुछ सफलता की कहानियां सुनाते हो जिसको हम टेस्टिमोनियल बोलते हैं ठीक है जिसमें से कुछ ज्वाइनिंग आती है कुछ ऑर्डर आता है कुछ कस्टमर बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं होम मीटिंग मतलब एक घर के अंदर जो हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चार छह आठ दस लोगों की मीटिंग करते हैं जिसको जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जिससे हमारा बिजनेस निकलता है उसको हम बोलते हैं होम मीटिंग ठीक है अब होम मीटिंग के बेनिफिट क्या क्या हैं ठीक है, है? उसके ऊपर बात करेंगे सबसे पहले घर के अंदर जब होम मीटिंग करते हो तो माहौल ना एक कंफर्टेबल सा होता है एक फैमिली वाला माहौल सा होता है होमली एटमोसफेयर सा होता है सेकेंड बेनिफिट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे आसान टूल की अगर कोई बात करोगे दोस्तों वो है होम मीटिंग सबसे इजी, चीपेस्ट सबसे सस्ती पड़ती है अगर आप बाहर मीटिंग करते हो दोस्तों देखो आपको वेन्यू का भी खर्चा देना पड़ेगा साउंड का भी खर्चा देना पड़ेगा तो ये चीपेस्ट टूल है इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों कोई खर्चा नहीं है आपका दोस्तों सिंपल घर पे आपने व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है प्रोडक्ट आपने लगाए हुए हैं डेमो किट रेडी है बस आप चार पांच छह लोग आठ लोग बैठे हुए हैं ना कोई साउंड सिस्टम की जरूरत है आराम से बैठ कर या खड़े होकर आप वहां पर मीटिंग कर सकते हो कोई भी खर्चा वगैरह नहीं आपका होता कोई कॉस्ट नहीं है हाई कॉस्ट नहीं है ठीक है देन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सिंपल सी है आप उन्ही लोगों को बुलाते हो जिनको आप जानते हो उनसे आप थोड़ी बहुत बातचीत करते हो और थोड़ा बिजनेस की बात करते हो आइडिया की बात करते हो इट्स कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर ठीक है और सबसे बड़ी बात ये अगर आप छे आठ लोगों इकट्ठे अपने घर पे बुलाते हो गेस्ट को बुलाते हो तो इट सेव योर टाइम मनी और एनर्जी ये तीनों चीजें आपकी सेव करता है कहा आपने वन टू वन दिखाना प्लान उसके घर जा अपने घर तो होम मीटिंग अंदर क्या आप घर के अंदर ही ज्यादा लोगों को छह से आठ लोगों को बुला सकते हो ठीक है ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना होता मैक्सिमम चार पांच छे आठ इतने लोग बहुत होते हैं जो आते हैं ठीक है लेकिन जितने गेस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो उतने ही गेस्ट को नहीं हमने इनवाइट करना होता ठीक है वो आगे बात करेंगे इनविटेशन के अंदर ठीक है कितने लोग तो क्या होता क्या है जब आप ज्यादा लोगों को बुलाएंगे तो डेफिनेटली उसमें से लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर आपका रिजल्ट आना ही आना है लोगों ने ज्वाइन होना है या कस्टमर बनना है ज्यादा एक्शन आपको ज्यादा रिजल्ट देगा ही देगा दोस्तों ठीक है कहा एक, एक बंदे को टच करना कहीं कहाँ आपने इकट्ठे दो तो छह से आठ लोगों को बुला लिए जैसे कांचे नहीं खेलते थे बचपन के अंदर अगर एक एक कांचा हम फेलते थे वो जो पिल बोलते हैं उसको होल होता जो तो प्रोबेबिलिटी कम होती है लेकिन अगर इकट्ठे आठ दस फेंक दोगे तो पता भैया दो तीन तो आ ही जाने उस होल के अंदर ठीक है तो ये बेस्ट टूल है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो वाई जो तो होता क्या है जब आप घर पे होम मीटिंग कर रहे होते हो घर पे आप बताते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस uh, भी आप होता है आपका बोलना सीखते हो आप ठीक है क्योंकि एकदम आप सौ लोगों के आगे नहीं बोल सकते ठीक है हाँ कुछ लोग होते बेस्ट स्पीकर पहले से ही वो अलग बात है लेकिन मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर थोड़ी हो शाइनेस होती है तो होम मीटिंग के थ्रू आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ भी होती है दोस्तों आप डेमो करना सीखते हो किसी को इनवाइट कैसे करना ये सीखते हो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है ठीक है एक सक्सेसफुल क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए तो ये सारी चीजें मतलब काम करते कर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी भी इसको बोल सकते हो हो साथ साथ एक्शन रहा और साथ साथ में आपकी लर्निंग भी हो रही है दोस्तों। है दोस्तों ठीक तो ऑन जॉब आप सीखते रहते हो फिर क्या होता है जब चार पांच लोगों के साथ आप घर पे बैठते हो छह लोगों के साथ तो कम्युनिकेशन ईजी होता है दोस्तों इजिली ना कनेक्शन बन जाता है आपका ठीक है थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड होता है दोस्तों आपका जब घर पे होते हो क्योंकि घर का माहौल और बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल या ऑडिटोरियम का हॉल वहाँ जमीन आसमान का डिफरेंस होता है जो घर पे अपने पन वाली फीलिंग आती है ना वो दोस्तों बाहर किसी ऑडिटोरियम में वो फीलिंग नहीं आती तो बेस्ट टूल है दोस्तों होम मीटिंग फिर आप इसमें जिसके घर मीटिंग कर रहे हो उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हो आप उनके मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर सकते हो जहाँ कोई बच्चे हैं भाई बहन है उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो और बाहर करोगे तो बंदा अकेला आएगा ठीक है ये भी एक बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट है फिर

प्लस ही करती है लेकिन जो आपकी एवरेज है ना वो कभी भी नीचे नहीं आती ये लगातार होम मीटिंग आपको है होम मीटिंग के जो मैंने आपको बताए अब पर्पज क्या होता है होम मीटिंग वाई वी डू होम मीटिंग पहला पर्पज क्या है दोस्तों होम मीटिंग करने से हमारे कस्टमर बनते हैं दोस्तों और मोर ओवर कई बार क्या होता है मैंने देखा कोई एक बंदा होता है जिसको आपने ज्वाइन करवाया वो एक बार तो अपना एक सौ बीस पे भी कर लेता है दूसरी बार भी कर लेता है लेकिन बाद में वो नहीं कर पाता क्यों थोड़ा स्टॉक उसके पास पड़ा होता है तो उसको यह डर लगता है कि यार पहला स्टॉक तो मेरा निकला नहीं है मैं दोबारा क्यों ऑर्डर डालू वो धीरे धीरे ना थोड़ा नेगेटिव होना शुरू होता है होम मीटिंग क्या करती है अगर आपने उसके घर पे एक प्रोडक्ट बेस होम मीटिंग कर दी उसके ऊपर भी बात करेंगे तो होगा क्या उसके कुछ कस्टमर बन जाते हैं दोस्तों देखो जो भी मीटिंग करते हो अगर आपके पांच छह भी गेस्ट आए तो ऑल द गेस्ट विल नॉट ज्वाइन मोदी केयर एज ए कंसल्टेंट सम ऑफ देम क्या होता है कुछ कस्टमर बन जाते हैं वो बोलते हैं यार हमें बिजनेस तो नहीं करना लेकिन हाँ प्रोडक्ट आपके बड़े अच्छे लगे हमें तो हम आपके कस्टमर बन जाते हैं अब होता गया अगर आप दो चार पांच भी किसी की मीटिंग कर देते हो बी अपलाइंग होगा क्या उसके दस पंद्रह बीस कस्टमर बन जाते छोटे छोटे कोई 200 का सामान ले रहा है कोई एक महीने लेगा अगले महीने नहीं लेगा उससे अगले महीने लेगा तो होगा क्या अगर किसी को आपने सौ पीबी एक सौ बीस भी करने के लिए बोला है तो उसका दो तीन हजार रुपए की इजिली रिटेलिंग हो जाती दोस्तों तो जब किसी की कम से कम मान लो साठ पे की रिटेलिंग भी होनी शुरू होगी हमने रिटेलिंग करनी सिखा दी उसको बाय होम मीटिंग्स ठीक है तो होगा क्या दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो नीचे नहीं जाता लोग हर महीने फिर लॉयल्टी में आते रहते हैं लॉयल्टी लेते रहते हैं हर महीने परचेज डालते रहते हैं दोस्तों तो होम मीटिंग का पहला पर्पज कहता है जो टीम मेट हमारे साथ ज्वाइन किया है उसके कुछ कस्टमर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं होम मीटिंग और आपको कंसिस्टेंट बिजनेस देती है दूसरा बोलते ना जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी ज्यादा मौज तो हम न्यू उठा सकते हैं होम मीटिंग कर करके मतलब वी कैन क्रिएट न्यू ऑफ होम होम तो मीटिंग जब हम करेंगे मान लो आपने महीने में चार होम मीटिंग की अपनी टीम में जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं हफ्ते में एक भी होम मीटिंग करते हो तो हर होम मीटिंग में मान लो पांच छह भी गेस्ट आते हो तो बीस आए तो बीस में से इजीली चार पांच आपके कस्टमर बन जाएंगे और पांच छह लोग आपके ज्वाइन कर जाएंगे दोस्तों तो होगा क्या कस्टमर भी बन गए और सेकंड पर्पस भी हमारा हल हो गया कंसल्टेंट भी आ देन तीसरा पर्पस क्या था होम मीटिंग के थ्रू हम ना कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं जब आप किसी के घर होम मीटिंग करते हो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिसके घर पे होम मीटिंग की वो कई बार वो इंटरेस्ट ज्यादा लेना शुरू करते हैं आपको पता चलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है पॉजिटिव है या न्यूट्रल है या थोड़ा ठीक ठीक टाइप का है बोलता कैसे या बोल अच्छा बोलता है डायलॉग डिलीवरी कैसी है उसकी रिलेशन uh, बिल्डिंग कैसी है लोगों से क्या ये ऐसा तो नहीं हुआ बीस कॉल लेके और एक भी बंदा नहीं आया ठीक है आपको पता चलता है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कितनी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जब आप किसी के घर पे जाके होम मीटिंग करते हो तो यू कैन आइडेंटिफाई द लीडर्स भैया अगला लीडर कौन है जिसके साथ मैंने काम करके उसको अपलिफ्ट करना है उसको बिल्ड करना है दोस्तों देन हम जो थर्ड परपज है डिवेल्प लीडर्स ठीक है जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मान लो आपने दस ग्रोह में मीटिंग की और दस में से आपको पता चला यार कि चार बंदे बहुत सही हैं तो फिर आप क्या करते हो आपका जो नेक्स्ट फोकस होता है ना दोस्तों वो ना सही जगह पे पड़ता है दोस्तों आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते आप उन चार लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके बाद आप फिर क्या करते हो उनको बिल्ड करना शुरू कर देते हो तो ये हमारे चार मेन पर्पस होते हैं होम मीटिंग करने के नंबर एक हमें नए कस्टमर मिलते हैं नंबर दो हमारे कंसल्टेंट नए आते हैं न्यू ज्वाइनिंग आती हैं और हम कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको आगे बिल्ड करना है जिनको राइजिंग स्टार जिन्होंने बनना है जिन्होंने डायरेक्टर जाना है और आगे लेवल करना है और उनको फिर हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे पर्पस होते हैं और कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ फाइव सी रूल्स बोलते हैं पहली बात कॉम्प्लीमेंट जब भी कोई भी आपको मिलते हैं जब आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दे देते हो जेनुअन कॉम्प्लीमेंट देते हो जो चीज आपको अच्छी लगती है लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं होम मीटिंग के अंदर आप कितनी नॉलेज रखते हो लोग इसकी केयर नहीं करते आप लोगों की केयर कितनी करते हो लोग इसकी पूरी नॉलेज रखते हैं ठीक है तो हमें हमेशा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देना किसी ने कोई ड्रेस अच्छी डाली है या किसी ने कुछ अच्छा बोला है आपने कुछ पूछा मीटिंग में ठीक है वो भी आगे बातें करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट वो वाला जो फर्स्ट यह वो याद रखना है क्रिएट क्रियोसिटी ठीक है जब भी आपने किसी को इनवाइट करना तो क्रियोसिटी के थ्रू इनवाइट करना था दोस्तों कैसे करना वो भी उसके ऊपर बात करेंगे तो जब आप अपने गेस्ट को पड़ोसियों को दोस्तों को रिश्तेदारों को इनवाइट करते हो मीटिंग के लिए तो जो इनविटेशन स्क्रिप्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ठीक है थीके? उसमें थोड़ी सी आपने ना क्रियोसिटी डालनी है थोड़ी आवाज धीमी धीमी नहीं चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ डालना है आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना था थोड़ी पिच ऊपर रखकर बोलना होता है ठीक है तो वो भी डिटेल में भी बात करेंगे थर्ड कहता है कम्युनिकेट बेनिफिट्स जब आप किसी को हम इनवाइट करते हैं इवेंट में आने के लिए तो उसको फायदे उसका बताना होता है उसको ये ना लगे भी इसका फायदा जब आप इनवाइट करते हो ठीक है उसका फायदा लगना चाहिए ठीक है वो भी बात करेंगे कमिटमेंट इज द की अगर आपने मीटिंग कर ली हो मीटिंग तो दोस्तों एक बात याद रखना आपने उनसे कमिटमेंट जरूर लेनी है गेस्ट से ऐसा ना हो भी आपने जल्दी हाँ जी हाँ जी मेरे घर पे इतने बजे मीटिंग आप आ जाना कमिटमेंट लेनी होती है कि आप इतने बजे मेरे घर पे आ जाना शाम को इकट्ठे मिलते हैं पांच बजे मेरे घर पे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे मतलब वो बंदा ना विजुअलाइज करना शुरू कर हाँ मैंने पाँच बजे उसके घर पे जाना है ठीक है फिर उसको बोल जैसे घर पे शादी हो कई बार तो क्या होता है दोस्तों हम इनवाइट करते ना और लोगों से कमिटमेंट भी लेते हैं कि भैया लेट मत हो जाना इतनी तरीक को शादी है इतने बजे पहुंच जाना ठीक है इस पैलेस में आ जाना पैलेस का नाम भी बताते हो एड्रेस भी बताते हो उससे कमिटमेंट लेते हो कौन कौन आ रहा है शादी में सबको लेके आना बच्चे आ रहे हैं फैमिली आ रही आंटी अंकल आ रहे हैं तो ऐसे ही जैसे आ, शादी जब होती घर पे इवेंट होता घर पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम तो जैसे एक्साइटमेंट नहीं होती ऐसे जब होम मीटिंग आपके घर पे हो तो ऐसे चा चढ़ जाना चाहिए हमें यार कि या हमारे घर पे पर होम मीटिंग है उस एक्साइटमेंट के साथ हमने लोगों को इनवाइट करना होता है ठीक है फिर कल्टीवेट रिलेशन अगर मान लो कोई नहीं आ रहा मीटिंग पे कई कई बार शादी में भी होता है ना लोग बोल के भी नहीं आते आप कार्ड भी देते हो फिर भी नहीं आते ठीक है टेम्प्रेरी ठीक है थोड़ा सा लगता है यार दुख बैड फील होता है आपको लेकिन अगर होम मीटिंग में भी कोई नहीं आ रहा ठीक है टेम्प्रेरी कई बार फील होता है बंदे को लेकिन कभी भी हमने उनके साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करने दोस्तों ये याद रखना ठीक है अगर आपने रिलेशन खराब कर लिए हो सकता है वो कोई जैन प्रॉब्लम हो उसकी जिसके कारण वो नहीं आया अगर हमने रिलेशन खराब कर लिया ना तो वो अगली मीटिंग जब होनी अगले वीक या पंद्रह दिन बाद वो दोबारा कभी आएगा नहीं फिर ठीक ठीक है है ये याद रखना है, है? तो रिलेशन ही अब, अब खराब करना है ठीक है सबसे पहले आपको पता है लिस्ट बनानी है हमने ठीक है लिस्ट बना के इन्वाइट करना है अलग अलग तरीके हैं जो आज मैं आपको इन्वाइट बताऊंगा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कुछ ऑप्शन हैं लेकिन अगर कोई ऑलरेडी ऑप्शन आपके लिए काम कर रही स्क्रिप्ट काम कर रही है तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो कुछ अलग अलग चीजें बताता हूं जैसे बिजनेस इनवाइट लोगों का अपने दर्शन देने जरूर हम्बल पॉस्चर के साथ बैगिंग नहीं करनी कभी और जब भी इनवाइट करना खड़े होकर इनवाइट करना बैठे बैठे नहीं इनवाइट करना वाई जब आप खड़े होकर किसी को इनवाइट करते हो तो यू मोर कॉन्फिडेंस ठीक है आप चेक करके देखना और थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ बोलना है मैक्सिमम वन मिनट के अंदर अंदर इन्विटेशन खत्म हो जाना चाहिए जितने भी लोगों को इन्वाइट करना है आपने तो क्या करना है वो जो लिस्ट आपके पास पहले बनी होनी चाहिए भैया ये बीस लोग हैं मैंने कॉलें करनी मोबाइल में से निकाल निकाल के नंबर करोगे ना कॉलें और डाटा अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता आपको यार तो पहले ही डाटा फिल्टर कर लो भी मैंने आज ये तीस कॉले करनी है ठीक है या बीस कॉले करनी है या चालीस कॉले करनी है ठीक है और खड़े होकर कॉल करनी चेहरे पे स्माइल लगकर कॉल करनी आपकी स्माइल जाती तो नहीं है दूसरी तरफ ठीक है लेकिन वाइब्स चले जाती हैं व्हेन यू आर स्माइलिंग ठीक है इरिटेट नहीं होना ऊंची आवाज में थोड़ी सी बात करनी थोड़ी फास्ट बात करनी नॉर्मल से जितना करते ठीक है होम मीटिंग जो हम करते हैं ऑफलाइन होम मीटिंग करते हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं जूम के ऊपर जो हम पहले करते भी थे कोविड टाइम में उसके ऊपर भी थोड़ी सी आज बात करेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस पे लोग हैं उनकी आप जो दूर रहते हैं ज्यादा उनकी आप फिजिकल मीटिंग होम मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होता उनको आप जूम पे ले सकते हो ठीक है थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करेंगे फिर होता है डायरेक्ट इन्वाइट सीधा ही धंधे की बात की हमने ठीक है मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या मेरे पास मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें नो लॉस नो बॉस नो रिस्क वाला बिजनेस है तो दो दिन आप उसको बेनिफिट भी बता सकते हो ठीक है आपको पता होगा लोगों को क्या चीज अच्छी लगती है घूमना फिरना अच्छा लगता है पैसा अच्छा लगता है बढ़िया गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं ठीक है मेरे एक दोस्त है मैं उनको एक बार मैंने सीधा बात की उसको घूमने फिरने का शौक था मैंने यार एक बात बता मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तो हर साल फॉरेन ट्रिप पे जा सकता है जाना चाहता है इसके बारे में बोलता हाँ तो मैंने ठीक है भैया घर पे आ जाना किसी को कुछ किसी को कुछ बोल सकते हो होता है क्या दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना यू विल मेक मिस्टेक्स लेकिन तब आप सीखते जाओगे सीखते जाओगे ठीक है तो फील्ड ही आपका बेस्ट टीचर था वो आपको सिखा देता है ये अलग अलग आपको इन्वाइट्स बता रहा हूँ जहां पर जो फिट बैठता है वो बिठा देना आप ठीक है फिर होता ओपिनियन सीकिंग इन्वाइट ये हम जो बड़े होते हैं हमसे एज में आंटी अंकल वगैरह हो गए रेलेटिव हो गए उनके लिए ये बोल सकते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है और घर पे मुहूर्त हमने करना है आप जरूर आना ठीक है और साथ में ब्लेसिंग देना मुहूर्त नहीं भी बोलना तो बोलना आप घर पे आओ आपसे सलाह लेनी है ठीक है इतने बजे आप आ जाना किसी को मिलवाना है आपसे और आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा हमें कुछ ऐसे भी बोल सकते हो ठीक है देन हेल्प सीकिंग इनवाइट जो वार्म सर्कल हो जो बहुत ही क्लोज होता है ये मान लो कि भाभी है ननद है ये वो रिश्तेदार भाई तो उसको सीधा बुला सकते हो यार मैंने घर पर छोटा सा एक गेट टुगेदर रखी है तो इतने बजे आ जाना थोड़ा सा गेस्ट भी होंगे थोड़ा मिलके वो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी ऐसे भी बोल सकते हो वार्म सर्कल के अंदर ठीक है फिर क्लब विद अदर ओकेजन इन्वाइट्स ठीक है जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिवाली सेलिब्रेशन पे बुला सकते हो कि आज हम अपने घर पे एक दिवाली तम्बोला कर रहे हैं ठीक है दिवाली तम्बोला कर रहे हैं ठीक है तो आप हमारे घर पे आना है ठीक है बर्थडे पे भी इनवाइट कर सकते हैं लेकिन उसमें ये थोड़ा करते नहीं हम एक्चुअली ठीक है लेकिन आ, कोई अच्छा ओकेजन है जैसे दिवाली वाला आ रहा है तो वो ज्यादा थोड़ा सही रहता है ठीक है फिर पर्सनल ग्रोथ इसमें हम क्या करते हैं लोगों को आ, जैसे आ, कुछ भी बोल सकते हो आप ड्रेसिंग स्किल्स या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सिखाने के लिए आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को कि आज हमारे घर पे एक बहुत बढ़िया सेशन है जिसमें आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम सिखाएंगे तो उसमें क्या करना है फिर सीधा धंधे की बात नहीं करनी पहले पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बात करनी फिर बाद में पंद्रह बीस मिनट बिजनेस के कनेक्ट करना है ठीक है किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए यार बुलाया मुझे इसलिए था बता रहे हैं ये मेरे साथ मतलब गेम खेला है कुछ ऐसा नहीं बी वेरी वेरी जेनुअन एक्चुअली ठीक है तो ये अलग अलग तरीके हैं फिर प्रोडक्ट बेस पे भी आ, आप इनवाइट कर सकते हो जैसे हमारे पास अभी करवा चौथ आने वाला है तो आप नेल आर्ट लोगों को सिखा सकते हो उसमें कुछ, कुछ, कुछ तंबोला वगैरह बोल सकते हो है ना लेडी लव टू प्ले तम्बोला उसके ऊपर आप सिखा सकते हो तो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बेस इन्वाइट भी आप कर सकते हो दोस्तों ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो तो इसमें क्या है पहले आपने जिस परपस के लिए बुलाया है पहले वो कवर करना है ठीक है उसके बाद फिर उसको हमने कनेक्ट करना होता है ठीक है जी देन फिर जो आपने इनविटेशन किए हैं और मान लो दो दिन पहले इनविटेशन दिए एक दिन पहले अब जिस दिन मीटिंग है उस दिन भी आपने उनको फॉलोअप करना है और उनसे कमिटमेंट लेनी है आप इतने बजे आ जाना लेट मत होना ठीक है राइट right? कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है कुछ आपको दिखाता हूँ इनविटेशंस ये आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो ये ऑनलाइन के हैं ठीक है तो आप कुछ ऐसे प्रिंट कर सकते हो ठीक है ये कोविड uh, का था ठीक है ये पैसा uh, uh, वो अपॉर्चुनिटी पैसों वाली ठीक है आर यू एलर्जिक टू एक्स्ट्रा इनकम कुछ ऐसे बना सकते हो आप नो नो लॉस नो बॉस फिर uh, ये ये बहुत अच्छा है रेडिएशन वाला ठीक है इसमें हम बोल सकते हैं डू यू वॉन्ट टू सेव योर फैमिली फ्रॉम हार्मफुल मोबाइल रेडिएशन आज हमारे घर पे एक बहुत बढ़िया सेशन हो रहा है कि आप अपनी फैमिली को रेडिएशन से कैसे बचा सकते हो इसमें हमने कोई और बात नहीं की सिंपल एक अपॉर्चुनिटी की बात की है रेडिएशन से वी आर गिविंग सोल्यूशंस तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो हमारे घर पे एक एक्सपर्ट आ रहे हैं ये फ्री सेशन है ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो ऐसे आप इनवाइट्स भी प्रिंट आउट करवा सकते हो ठीक है सेम रोज फेशियल हो गया कुछ भी आप अपने हिसाब से बना रख सकते सॉरी ये स्किन केयर का हो गया बॉडी पॉलिशिंग का हो गया अच्छा लेडीज लव टू प्ले तम्बोला ऑफलाइन तंबोला तम कर लो ये डिजिटल तंबोला लिखा हुआ है ये जूम का है आप ऑफलाइन भी ऐसे बना सकते हो ये अलग अलग इनवाइट्स है ठीक है किस किस तरह की होम मीटिंग होती है जो अभी थोड़ी बात भी की थी हमने अपॉर्चुनिटी बेस जिसमें पैसे की बात होगी प्रोडक्ट बेस जो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाए हैं इसमें हम प्रोडक्ट की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं थोड़ा डेमो वगैरह दिखाते हैं एंड पे दस मिनट का अपॉर्चुनिटी करते हैं सस्पेंस होम मीटिंग ठीक है इसमें जैसे मेकअप के लिए बुला लिया आपने या फेशियल के लिए बुला लिया पंद्रह बीस मिनट उस पर लगा दिए बाद में अपॉर्चुनिटी की बात कर दी ठीक है इसको सस्पेंस अप्रोच बोल दे टर्मिनोलॉजी दी हुई है आपने कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर मेन मुद्दे की बात समझनी है ठीक है सो so, एक अच्छी होम मीटिंग करने की टिप्स क्या क्या है थोड़ा उसके ऊपर हम बात करेंगे ठीक है सबसे पहले तो अगर आपने एक डेट फिक्स कर लिया ना होम मीटिंग की देखो कैंसिल करने के फिर कई कारण हो सकते हैं आपने कैंसिल नहीं करना ठीक है मान लो अगर कोई इमरजेंसी भी पड़ गई ठीक है तो आप अपने किसी अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो किसी और की हेल्प ले सकते हो ठीक है तो मीटिंग कैंसिल नहीं करनी मेन और थीम फिक्स करना हर मीटिंग का अगर आप तंबोला होम मीटिंग कर रहे हो तो उसको प्रमोट करो थीम सेलेक्ट कर लो मनी वाला थीम है तो मनी के अराउंड हो मीटिंग होम मीटिंग घूमेगी ठीक है कुछ नीलाट के ऊपर है तो नेल लाट के ऊपर होम मीटिंग घूमेगी ठीक है तो थीम एक रख लो आप ठीक है उससे कहता थोड़ा ना फंक्शन हो जाता है थोड़ा सा Uh, वो बोरिंग सा नहीं लगता एक्चुअली ठीक है इंटरेक्टिव सा हमने बनाना होता है उसको ठीक है फिर प्रेजेंटर uh, कौन है ठीक है एक फिक्स कर लो कि कौन प्रेजेंटेशन देगा ठीक है जिसने प्रेजेंटेशन देनी है वो बंदा अच्छी एक बार प्रैक्टिस कर ले जरूर ठीक है मतलब कहीं एम्बेरसिंग वाली सिचुएशन ना हो जाए एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी इफ यू आर फर्स्ट टाइम प्रेजेंटर ठीक है फिर एक गेस्ट की लिस्ट बनाओ जो मैंने अभी बोला था इनविटेशन स्क्रिप्ट लिख लो पेपर पे ये थीम है ये मेरे गेस्ट हैं इनको मैंने इनवाइट करना है और इस स्क्रिप्ट के साथ मैं इनवाइट करूंगा ठीक है अगर आप न्यू कमर हो तो आप लिन के साथ बैठ के इनवाइट करो आप ये मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू कमर हो तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के कॉलिंग करो आप ठीक है फिर रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आएगा ठीक है और कम मान लो आप चार लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो मगर चार आप चाहते हो चार लोग आपके घर पे आए तो यार सिर्फ चार इनवाइट नहीं करने आपने ऐसा कभी नहीं होगा इवन के मैं हो गया सुरेखा मैम हो गए निशान जी हो गए अगर वो भी किसी होम मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने गेस्ट को बुलाना चाहते हैं और अगर हम में से भी कोई भी चाहे यार हमारे चार गेस्ट जरूर रहने चाहिए तो कम से कम कम से कम दस बारह लोगों को इन्वाइट करना है जिन्होंने प्रॉमिस किया हम आएंगे मैं दस बारह कॉलिंग की बात नहीं कर रहा कॉलिंग तो हो सकता है आपको पच्चीस तीस करनी पड़े उसमें से दस बारह करेंगे हाँ हम आएंगे फिर भी वो नहीं आएंगे चाहे आप कॉल करो चाहे मैं कॉल करूं चाहे रेखा मैम कॉल करें लॉ ऑफ एवरेज है ठीक है तो आपने पहले मेंटली प्रिपेयर रहना है दिल पे नहीं ले लेना ठीक है अगर आप न्यू कमर हो आपको बारह लोगों ने बोला था हम आएंगे वो नहीं आएंगे कभी भी वो नहीं हो सकता ठीक है लॉ एवरेज काम करेगा हाँ दस बारह लोगों ने अगर प्रॉमिस किया है तो चार पाँच छः लोग आ जाएंगे आपके ठीक है तो अब सीखा क्या आपने अगर आप चाहते हो कि चार पाँच लोग आपके होम मीटिंग में आए तो कम से कम दस बारह लोगों से कमिटमेंट लेनी है और कम से कम बीस पच्चीस कॉल नहीं करने हैं तब आपके चार पाँच लोग आएंगे ठीक है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ठीक है सब जगह ऐसे ही होता है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखें ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है ठीक है और आ, ड्राइंग रूम के अंदर सोफे वगैरह होते हैं अगर आप चेयर्स वगैरह लगा रहे हो तो जितने लोगों ने आपको कमिट किया है उतनी चेयरें नहीं लगानी अगर दस बारह लोगों ने कमिट किया है तो दस बारह चेयर नहीं लगानी आपने चार पांच चेयर लगानी बाकी जब आएंगे फिर लगा देंगे ठीक है खाली चेयर नहीं होनी चाहिए कोई ठीक है फिर आपने आ, कम से कम एक बार याद रखना आ, अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है जहाँ आपने कोई भी डेमो वगैरह करना है तो तैयारी करके करना है बिना तैयारी के नहीं करना आपने बिना प्रैक्टिस के नहीं करना पहले से प्रेपेयर करना है जहां आपके डेमो का सामान पड़ा होगा डिस्प्ले जहां आपने करना है टेबल पे वो रेडी रखना है और एक बात और याद रखना जब गेस्ट आपके जहां जिस तरफ बैठते हैं तो उनकी पीठ की तरफ दीवार दरवाजा होना चाहिए एंट्री डोर अगर उनकी फेस कि आमने सामने या दरवाजा एंट्री डोर तो होगा क्या जब भी कोई गेस्ट आएगा तो डिस्टर्बेंस होगी दोस्तों उसका ध्यान रखना है आपने ठीक है तो आपने थोड़ा वो चीज का जरूर करना है पीठ होनी चाहिए एंट्री डोर की तरफ न्यू गेस्ट के सेमी फॉर्मल आपका थोड़ा ड्रेस होना चाहिए जीन वगैरह डालकर या कुर्ता पजामा डालकर मीटिंग नहीं करनी हमें ठीक है बी सेमी फॉर्मल ठीक है जी वो थोड़ा सा जरूर देख लेना और फिर टेबल जो प्रोडक्ट्स का टेबल है पूरे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए जो डेमो का सामान है वो रेडी होना चाहिए ऐसा नहीं है यार आप मीटिंग मीटिंग शुरू होगी डेमो कर रहे हो और चम्मच रखना भूल गए और आप गैस से बोलो भैया एक पेन देना अपनी जेब में और उसके सामने ऐसे ऐसे घुमा रहे हो के डेमो में ऐसे नहीं करना बी वेरी प्रोफेशनल ठीक है प्रोफेशनल रहना आपने और पूरा डेमो का जो भी सामान सुना डिस्प्ले करना कुछ कैटलॉग रखने वहां पर ठीक है व्हाइट बोर्ड वगैरह स्टैंड वगैरह जो भी आपने करना वो सारा रेडी होना चाहिए आपका ठीक है फिर अवॉइड डिस्ट्रेक्शन ऐसा ना हो भी डॉगी चू 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 कर रहा है बच्चे शोर मचा रहे हैं कार्टून लगा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए कुकर किचन में चिकन धरा हुआ है कोई मसाला लगा रहे हो गेस्ट को आ रही है, और ध्यान उनका किचन की तरफ चला गया पकौड़े तल रहे हैं ठीक है, है? जहाँ ये सब्जी बना रहे हैं ये तड़का तुड़का लगा रहे हैं कुछ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है और अगर कोई छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करना मीटिंग के अंदर अगर आ भी गए तो लॉलीपॉप जो अपने मुद्दी के रल दे वो साथ में रखो कोई भी छोटा बच्चा डिस्टर्बेंस करता तो लॉलीपॉप निकाल के मुंह में डाल दो ठीक है वो तकरीबन पौना घंटा लॉलीपॉप खत्म नहीं होता चूसते चूसते और उतनी देर में हमारी होम मीटिंग खत्म हो जाती है ठीक है कुछ कैंडी वगैरह रख सकते हो ठीक है बच्चे बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा अवॉइड करना बच्चों को दूसरे रूम में बिठा दो बच्चों को कार्टून वगैरह लगा दो कम वॉल्यूम के अंदर ठीक है फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आपने टिप दे रहा हूँ कि वॉसिप्स नहीं करनी मीटिंग के अंदर यार कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है नेगेटिव बातें नहीं करनी पॉजिटिव माहौल बनाना है ठीक है कहीं ऐसा ना भी आते चुगलियाँ शुरू हो गई ये हो गया वो हो गया उसका एक्सीडेंट हो गया सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया पॉजिटिव बातें करनी है ठीक है पॉजिटिव माइंडसेट हमने लोगों को वहां पर देना दो ठीक है ये थोड़ी सी मैंने आपको टिप्स दी फिर क्या करना क्या नहीं करना सबसे पहली बात पंक्चुअल रहना है ऐसा नहीं यार पाँच बजे का टाइम है छः बजे मीटिंग शुरू कर रहे हो ठीक है अब होगा क्या लेट आने का कल्चर बिल्ड हुआ था दोस्तों ठीक है तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने पाँच बजे बोला है तो पंद्रह बीस मिनट वेट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है तो अदरवाइज स्टार्ट द मीटिंग ठीक है अपने जो प्रेजेंटर है उसको एडिफाई करना था हमने ठीक है ये याद रखना मेरी बात जो भी प्रेजेंटर है तभी लोग सुनेंगे ना उसको अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हो ठीक है उसको बोलो भी हाँ जी आज मैंने एक स्पेशल जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो आए हुए हैं और ही इज़ वेरी सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे इंसान है ठीक है बिजनेस में जो लेवल है उसके हिसाब से एडिफिकेशन करनी है कम भी नहीं करनी ओवर भी नहीं कर देनी है एडिफिकेशन ठीक है जेनुअन एडिफिकेशन करनी है और फिर उनको आपने इनवाइट करना है ठीक है माहौल पॉजिटिव बनाना है ये जो होस्ट होता है ना दोस्तों उसकी ड्यूटी होती है कि माहौल को पॉजिटिव बनाना ठीक है फिर थोड़ा माहौल लाइट भी रखना है थोड़े से जो होम मीटिंग करते हैं जो प्रेजेंटर मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थोड़े एक दो जोक याद कर लिया करो थोड़ा सुना दिया करो थोड़ा ह्यूमर सा आता है लोग रिसीविंग मोड में आते हैं ठीक है थोड़े से मिक्सअप होते हैं लोग कंफर्टेबल से होते हैं जब स्माइल चेहरे पे आती है और तो आपने हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है अपनी ठीक है चीजों को सिंपल रखना है डुप्लीकेटेबल रखना है हाउ इंटेलिजेंट यू आर ये नहीं हमने शो करना हमने शो करना are, है हाउ सिंपल वी आर ठीक है चीजों को सिंपल सिंपल तरीके से बताना है डुप्लीकेटेबल बताना ताकि लोगों को लगे यार ये तो बड़ा सिंपल सा है यार ये तो हम बता ही देंगे ठीक है चेहरे से नर्वसनेस लेनी चाहिए बी वेरी कंफर्टेबल चेहरे पे खुशी आनी चाहिए ठीक है एक पॉजिटिव वाइब्स आपके जाने चाहिए ठीक है राइट right? तो ये ये जो काम मैंने बताया आपको आपको डूज एंड डोंट्स अब बताता हूं, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना ऐसा ना हो भैया अभी होम मीटिंग घंटे चल गई अगर एक बार दो घंटे होम मीटिंग चल गई ना उसके बाद अगली बार होम मीटिंग नहीं करने देंगे लिए एक घंटे के अंदर, अंदर अंदर आप उसके घर से बाहर होने चाहिए आपने अपना काम खत्म कर देना है कई बार हो सकता है उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो हो सकता है वो चार पांच लोग डिसीजन ले रहे हो शुरू करने का और बो रहे हाँ जी हमें कुछ सिखाओ फिर आप टाइम लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लेकिन आपने अपना काम एक घंटे से पहले पहले खत्म कर देना सारा का सारा दैट्स इट ठीक है उनको ये बोल दो आई एम डन फ्रॉम माई से वो चाहे आपको आधा घंटा और बिठा ले वो लग बात है ठीक है हो सकता है कई बार ऐसा भी करना भी अगला ऑर्डर देने को तैयार है अगला बोरा भैया पाँच पाँच हजार रुपये के चार ऑर्डर लगाओ और आप बोरो नहीं 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 मैं बिजी हूँ जी अभी नहीं अभी नहीं ऐसे नहीं ठीक है आपने अपना काम जो है वो एक घंटे में खत्म कर देना लेकिन अगर आपको लग रहा है दस पंद्रह की ज्वाइनिंग निकल सकते हैं चार पाँच तो लगा के अच्छी क्लोजिंग कर दो तसली कर दो कर कोई टेंशन नहीं है ठीक है लेकिन मेक इट रूल एक घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ ठीक है आपने अपना काम खत्म करना दोस्त ठीक है थोड़ा सा आपको बताता हूँ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन एक मिनट में आप एडिफिकेशन कर दो इवेंट की एडिफिकेशन होम मीटिंग जो करने जा रहे हैं थोड़ा इवेंट के बारे में बता दो आज बहुत ही बढ़िया हम इवेंट करने जा रहे हैं ये वो, दूसरा प्रेजेंटेशन जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताने जा रहे हो ये दुनिया की सबसे बहुत वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से अपनी जिंदगी बदली हैं लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं सिंपल सिंपल हाउस वाइफ ने अपनी गाड़ियां ली हैं जो जिस तरह के गेस्ट बैठे हुए हैं ना उसी तरह के प्रोफाइल की सफलता की कहानियां जल्दी जल्दी थोड़ी सी सुना दो आप ठीक है फिर जो स्पीकर आ रहा है उसको थोड़ा एडिफाई कर दो थोड़ा ड्रीम बिल्डिंग कर दो आप तीन मिनट में अगले चार मिनट में नेटवर्किंग का कंसेप्ट समझा दो नेटवर्किंग होती क्या जो मिडिल मैन वाला होता है अगले पाँच मिनट में कंपनी का प्रोफाइल जरूर बताना दोस्तों ठीक है कंपनी का मिशन क्या है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ और छह मिनट में पांच छह डेमो कर दो एक मिनट में एक डेमो तो कर ही देना चाहिए ज्यादा लंबे नहीं करना चाहिए मैंने देखा कई बार ना डेमो के अंदर लोग पीएचडी कराना शुरू कर देते हैं तो भैया हमने पीएचडी नहीं करानी यार लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनाना लोगों को डैमड बनाना है ठीक है तो टू मच नॉलेज इज मोर डेंजरस ठीक है उतनी की नॉलेज दो और डेमो करो खत्म करो काम ठीक है फिर आगे बता दो हाउ टू अर्न मनी सात मिनट के अंदर हाउ टू अर्न मनी वाला बता दो जो बेसिक कैलकुलेशन है साठ पीवी के क्या बेनिफिट है ठीक है फिर साठ पीवी के क्या बेनिफिट है रीप्रचे प्रोग्राम बता दो लॉयल्टी का बता दो वाउचर का बता दो पूरे साठ पीवी में कवर हो जाएगा फिर बता दो भैया बीस लोग अगर आप बनाते हो साठ साठ पीवी वाले तो आप डायरेक्टर बन जाते हो फिर ऐसे थोड़ा सा बोल दो सात मिनट बहुत होते हैं ज्यादा डायरेक्टर बोनस बाइक बोनस ये बोनस लीडरशिप बोनस ऐसी शब्दावली नहीं यूज करनी जो वो पहली बार सुन रहे हो देखो कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं देखो पहली बार ना लोगों को कैलकुलेशन ही समझ समझा समझाती तो बेसिक कैलकुलेशन समझानी है सात मिनट बहुत होते हैं बेसिक कैलकुलेशन समझाने में फिर आठ मिनट लगाओ सफलता की कहानियां सुनाओ लोगों की कुछ वीडियो दिखा हो छोटी एक एक मिनट की वीडियो दिखा दो लोगों की गाड़ियां दिखा दो लोगों के पे और दिखा दो कोई हाउस वाइफ बैठी तो हाउस वाइफ की कोई फोटो दिखा दो भैया पहले ऐसी थी अब ऐसे बिफोर एंड आफ्टर का वो बता दो कोई एक आधा टेस्टिमोनियल सुना दो ठीक माइंड सेट पे काम करना है फिर नौ मिनट में क्या काम करना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है क्लोजिंग करनी है कई बार मैंने देखा लोग स्टार्टिंग में बड़े एक्साइटेड होते हैं क्लोजिंग करते करते बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं क्लोजिंग पे आपने पूरा अग्रेसिव रहना है पूछो उनसे कि आपको प्रोडक्ट अच्छे प्लान अच्छा लगा या लोग अच्छे लगे तीन ऑप्शन दे दो या दो दे दो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा तीन दिन या तीन दे दो वो कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छे लगे कई लोग बोलेंगे प्लान अच्छा लगा कई लोग बोलेंगे सब कुछ अच्छा लगा गलत क्वेश्चन नहीं पूछना गलत क्वेश्चन क्या है आपको कैसा लगा अब भैया इसका तो कोई भी आंसर तो नहीं कर सकता तो आंसर ऑप्शन देनी है हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पूछना क्वेश्चन और आंसर वो देना जो दोनों आपकी फेवर में हो तो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा आप दोनों में से एक चीज बोलेगा या बोलेगा सबको अच्छा जो भी बोलता है उसका हैंडशेक मिलाओ बोलो वेरी गुड वेलकम टू अवर मोदी फैमिली सवाल चाहे आंसर चाहे कुछ भी देता तीनों में से वेरी गुड वेलकम टू अवर मोदी फैमिली ठीक है फिर उनसे बैठकर थोड़ा ऑर्डर बना लो आप प्रोडक्ट अच्छे लगे उसको तो उसको एज ए कस्टमर बना लो ठीक है आपको ये ये अच्छा लगे नोडिंग ज़रूर करनी जब डेमो भी करते हो तो ध्यान से नोट करो जो मैं बताने लगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अगर डेमो भी कर, तो करो तो पूछा करो डेमो अच्छे लगे आपको ऐसे गर्दन लानी बोलेंगे yes हाँ अच्छे लगे वेरी गुड बहुत बढ़िया क्लैपिंग करवा दी बीच में जब नीले से सफिर... रंग होता होता है है ना ब्लू से होता है, के के डेमो साथ तो बोलो अच्छा लगा हाँ, चलो वेरी गुड जी इनके लिए एक बार जब तक क्लैपिंग हो सकती है चेहरे पे स्माइल जब क्लैपिंग करवाना शुरू करोगे ना जैसे जैसे लोग क्लैपिंग करते हैं कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं ठीक है चार पांच बार हाँ जरूर लेनी है होम मीटिंग के अंदर ये याद रखना क्लोजिंग जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हो क्लोजिंग तभी से शुरू होती है ठीक है पूछ सकते हो कि अगर आपको भी बीस हजार रुपया महीने का एक्स्ट्रा आना शुरू है तो बढ़िया रहेगा गर्दन भी ऐसे हिलानी अगर आपकी गर्दन ऐसे हिल रही तो सामने वाली गर्दन ऐसे नहीं हिलेगी क्लोजिंग शुरू से शुरू होती है एंड पे आके फिर हम पूछो स्टेरिक आपके घर पे कितने वॉशरूम है बोलेगा इतने हैं तो ठीक है स्टेरिक्लीन जो डिस है या टूथपेस्ट है कितनी डालू चार या पांच अगेन ऑप्शन देनी दो चार या पांच वो बोलेगा दो चलो दो डालो अच्छा आपके घर पे पोचा लगना है सिंगल फ्लोर है या मल्टी फ्लोर है कितने फ्लोर है घर पे तो तीन डालो या चार डालो ऐसे कर करा के ऑर्डर बना लो ठीक है क्लियर ऐसे क्लोजिंग करनी है ठीक है फिर उनसे पूछना है कि पेमेंट आप कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे पैसे मांगने से कभी नहीं घबराना अगर शर्म आती है रोज शीशे के सामने खड़ जाया करो और बोला करो दो पैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया करो कि पेमेंट आप रोज शीशे के सामने खड़गे पांच सात बार क्वेश्चन पूछा करो फिर पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे ना कैश दोगे पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे ना कैश दोगे पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे ना कैश दोगे पूछा करो बार बार बोला करो शीशे के सामने हेजिटेशन खत्म हो जाएगी ये आपकी आदत ही बन जाएगी आप देना कहीं भी प्लान करने जाएगा ठीक है मेक इट प्रैक्टिस ठीक है तो साथ में जब प्लान होता है फिर थोड़ी रिलेशन बिल्डिंग बनानी होती है हमने और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट एक सक्सेसफुल होम मीटिंग पता कौन सी होती है जिस मीटिंग में से एक और मीटिंग निकल जाए बोलते हैं बैम फैम बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग तो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकलनी चाहिए याद रखना मेरी बात ठीक है ऐसा नहीं भी आज होम मीटिंग कर ली अगली मीटिंग कहाँ पर पता ही नहीं है जी जो भी गेस्ट आते हैं मान लो तुम तम्बोला ही खिला रहे हो तो बोलो जी हाँ जी अगला तंबोला किसके घर पे होगा ठीक है वहीं पर बुक करो आप ठीक है तो बुक के मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग ठीक है ये आपने ध्यान रखना है फिर लोगों को हमने चैंपियन बनाना होम मीटिंग में पहले पहले तो लोगों को होस्ट बनना सिखाओ ठीक है लोगों को सिखाओ कि कन्विक्शन के साथ काम करना और सही तरीके से करना फिर उनको कोऑर्डिनेटर uh, बना बनाओ मान लो आपने ए के घर पे मीटिंग की थी फिर ए बी वाले के घर पे करवाएगा और वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा ठीक है है uh, से सीखेगा भी कैसे हमने कैसे हमने मैनेज करना परेशन स्किल जिसको बोलते हैं ठीक है वो करना है कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बिल्डअप करने हमने सिखाने हैं प्रेजेंटर बनना है वाई प्रेजेंटर बनना क्यों जरूरी है भैया कहाँ कहाँ अपलाइन को लेते रहोगे यार अगर अपलाइन कहीं और होम मीटिंग करने गई है तो आप होम मीटिंग कैसे करोगे फिर तो प्रेजेंटर हमने बनाना है लोगों को फेक इट एल यू मेक इट जब तक आता नहीं एक्टिंग करनी शुरू कर दो शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ठीक है तो परफेक्शन का इंतजार नहीं करना ठीक है प्रैक्टिस करते 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 थोड़ी गलतियां भी करोगे चलेगा कोई टेंशन नहीं है दोस्त ठीक है राइट और आ, होम मीटिंग टूल बन जाओ अपनी डाउनलाइन के लिए मतलब इतने कैपेबल बन जाओ पहले आप होस्ट बने थे फिर कोऑर्डिनेटर बने थे फिर आप प्रेजेंटर अच्छे बन गए और फिर आपने एक टूल बन जाना मतलब आपने आपको इस काबिल बना लेना भी, आपकी डाउनलाइन आपको लेके जा सके होम मीटिंग पे तभी तो डुप्लीकेशन होगी ठीक है और फिर होम मीटिंग चैंपियन बनना है टारगेट रखो अपनी टीम में भैया इतनी होम मीटिंग करनी है इस महीने इतना बिजनेस निकालना है जो भी गोल है उसको एक्शन में कन्वर्ट करो नंबर ऑफ होम मीटिंग में कन्वर्ट करो लेग वाइज कन्वर्ट करो टारगेट दो सभी को टीम में जो जो होम मीटिंग करते हैं उनको रेकोगनाइज करो कल्चर बिल्ड करो फोटो में डालो होम मीटिंग की उनको कोई मेडल मूडल डाल दिया करो हार डाल दिया करो माहौल बनाओ टी 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 करो रेकोगशन किया करो ऐसे लोगों की अब जो चीजें नहीं करनी ब्लेंडर प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी ठीक है ऐसा नहीं है मीटिंग कर दी बुक बाद में टालने की कोशिश कर रहे हो नहीं सर कल कर लेते हैं परसों कर लेते हैं कर ली तो कर ली दोस्तों ठीक है जस्ट डू इट नो परफेक्ट टाइमिंग होती है कोई टाइमिंग टूमिंग परफेक्ट नहीं होती जल्दी जल्दी जो भी आपने किया है डरो मत कर दो गलत भी होगी कोई चक्कर नहीं कर दो ठीक है और कभी दिमाग में ये नहीं रखना यार एक बार में क्या बोलते हैं सारे अच्छे अच्छे वो सीख लूँ ठीक है एक बार सक्सेसफुल होम मीटिंग करना सीख जाऊं बाद में मैं करूंगा अरे कोई दिक्कत नहीं यार ठीक है करो आप ठीक है गलतियां होंगी कोई टेंशन नहीं है डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है नहीं तो होम मीटिंग फ्लॉप हो जाएगी आपकी घर का एटमोस्फेयर पॉजिटिव रखना है परफ्रेश रखना है जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको डॉगी वगैरह पेट्स वगैरह हो गए बच्चे बुच्चे ये सब शांत रखने हैं ठीक है सिंपल रखना है चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी रखनी है शॉर्ट रखनी मीटिंग लंबी नहीं खींचते नहीं कहीं नेगेटिविटी कभी पॉजिटिविटी को स्प्रेड नहीं कर सकती कभी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं लेके आ सकती ये जो चिटचाट नहीं होती है जो बातें करते हैं लोग गेस्ट या होस्ट कभी भी आपने नेगेटिव बातें नहीं करनी फ्यूचर की बातें करनी है ठीक है वो ध्यान रखना आपने ठीक है एडिफिकेशन करके बुलाना है ठीक है जो प्रेजेंटर है जो आपके गेस्ट स्पीकर है उनको एडिफाई करना है अगर नहीं करोगे तो ब्लेंडर कर सकते हो बहुत तगड़ा ठीक है नॉट लिविंग बाय एग्जांपल राइट एग्जांपल सेट करनी है चेहरे पे स्माइल लानी है ठीक है मान लो वाइफ लड़े भी हुए हैं घर पे होम मीटिंग है बाकी लड़ाई बाद में करनी होम मीटिंग के बाद चेंज योर मूड्स ठीक है राइट अच्छी एग्जांपल आपने छोड़नी दो तो, तो ये जो चीजें हैं इन चीजों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है दोस्तों बिलीव मी अगर आप एक होम मीटिंग का कल्चर बढ़िया करने में कामयाब हो गए ना तो आप मिरेकल्स कर सकते हो आपका हर सपना सच हो सकता है लास्ट पे एक बात सुनाऊंगा एक कहानी सुनाऊंगा आपको दो दोस्त होते हैं गांव में एक का नाम होता है अमरपाल एक का नाम होता है समरपाल जो अमरपाल होता है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता है. एक होता समरपाल उसको इंग्लिश तो नहीं अच्छी आती होती लेकिन वो हर जगह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है कहीं भी उसको कोई मिल जाए इंग्लिश बोलनी शुरू कर देगा लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं काफ़ी कुछ उसको बोलते हैं ठीक है लेकिन वो प्रवाह नहीं करता है जो समरपाल होता है अब उसको पता चल जाता है अमरपाल को इंग्लिश आती है वो अमरपाल के भी पीछे पीछे होता है उसको भी तंग करता रहता है टूटी फूटी इंग्लिश बोल के कॉलेज में एडमिशन हो जाती है कॉलेज में भी अमरपाल का इंग्लिश वाला फ्लो अच्छा है। लेकिन जो समरपाल होता है वो दोबारा वही हालात जितनी इंग्लिश आती वो बोलता रहता धड़ा धड़ा धड़ अब अमरपाल को आती तो अच्छी होती है इंग्लिश लेकिन होता कि वो वो ज्यादा यूज नहीं करता क्यों वो ना परफेक्ट बंदे की तलाश में रहता है यार कोई अच्छा बंदा है उसके साथ इंग्लिश बोलूंगा ऐसे नहीं बोलनी मैंने लेकिन जो समरपाल होता है वो प्रवाही नहीं करता किसी की लोजिक कॉलेज में उसका नाम होना शुरू होता है एक दिन वो घर होता है तो गांव में एक प्रोफेसर साहब आते हैं उस वो बोलते हैं यार समरपाल तू तु टूटी फूटी इंग्लिश बोलता रहता है तू शर्माता नहीं है ठीक है तुझे यार बुरा नहीं लगता तू क्यों गलत इंग्लिश बोलता है तो उसको जब प्रोफेसर साहब बोलते हैं तो वो बोलता है जी टेंशन ही कोई नहीं जितनी कहती उतनी बोल देते हैं बाकी लोग सिखा देते हैं लेकिन मैं हेजिटेशन नहीं करता तो प्रोफेसर बोलता चल ऐसे कर एक लाइन बोलता हूं उधर तो से बहस जा रही होती तालाब के अंदर तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं भैंस तालाब में जा रही है इसकी इंग्लिश बना के बता समर पार को क्या बोलते हैं भैंस तालाब में जा रही है इसकी इंग्लिश बना के बता तो समरपाल बोलता है ओ सर ये तो सिंपल ही बहुत है टू तलाब। और जैसे बोलता टू तलाब, कर देता है जैसे वो हंसना शुरू करता है एक बच्चा होता पास में और बोलते समर पाल जी तालाब को इंग्लिश में पौंड बोलते हैं बोलता अच्छा पौंड बोलते हैं तो वो क्या करता है बोलता

तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड बोलते हैं और भैंस को इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं तो सेम दोस्तों अगर आपको होम मीटिंग करनी अच्छी नहीं भी आती आज कोई दिक्कत नहीं यार जस्ट डू इट करनी शुरू करो बाकी जैसे जैसे आप गलतियां करोगे ना फील्ड आपको सिखाता जाएगा लोग आपको सिखाते जाएंगे प्रोफेक्शन का इंतजार नहीं करना क्यों ईस्ट और वेस्ट होम मीटिंग बेस्ट ठीक है तो इसी के साथ आज का मैं टॉपिक खत्म करता हूँ थैंक यू वेरी मच सो बैक टू भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर आज तो कमाल हो गया सर और आपने जो होम uh, मीटिंग के बारे में बताया इतनी डीपली सर इतनी डीपली नॉलेज तो आपके पास ही हो सकती है सर हर एक टॉपिक को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से रखा हर एक छोटी छोटी बात के बारे में बहुत डीपली जो आपने बताया सर वो बहुत कमाल की है सर और मुझे पूरा विश्वास है सर सभी लीडर ने बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा है और मैं चाहूंगा सभी लीडर एक बार मुनीश सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करें सभी लीडर थैंक यू थैंक यू सर, सर thank आपने कीमती टाइम निकाला और इतनी जबरदस्त नॉलेज इतनी डीपली नॉलेज कि कैसे हमें बात करनी होती है कैसे हमें इतनी डीपली नॉलेज कि कैसे हमें गेस्ट को किस मुंह साइड से बिठाना होता है उनका बैक साइड में गेट होना चाहिए आपकी ड्रेस कैसे होनी चाहिए गेस्ट आने से पहले बिल्कुल बहुत सारे लीडर्स गलती करते हैं गेस्ट आने से पहले इधर उधर की बातें करते हैं उसके बारे में भी डीपली नॉलेज दी कि वहां पे अपन को इधर उधर की बातें नहीं करनी होती है मोदी केयर के बारे में बात करनी होती है पॉजिटिव बातें करनी होती है गेस्ट की हमें जो हमारा स्पीकर गेस्ट होता है उसके बारे में हमें एडिफिकेशन भी हमें करना होता है इतनी डीपली नॉलेज मैं कहता हूँ इतनी नॉलेज के साथ अगर होम मीटिंग करेंगे तो सर ने जो बोला था ना कि परफेक्ट और अच्छी होम मीटिंग वही होती है दूसरी होम मीटिंग निकल सके तो साथियों डियर लीडर्स आप सर की बताई हुई हर एक बात पर हम सब सर की बताई हुई हर एक बात को अगर फॉलो करेंगे तो हम भी एक अच्छे होम मीटिंग मेकर बन सकते हैं लेकिन ये देखिए सीखना बड़ी बात नहीं सीखते तो हर एक सीखता है लेकिन मैं कहता हूँ फॉलो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखने के बाद में फॉलो भी जरूर करना होता है और कमाल की बात न्यूज है ब्रेकिंग न्यूज भी है अभी ब्रेकिंग न्यूज है और मैं आपको बता दू हम सबके बीच में आ, गुरु माँ जो हम सबके अपलाइन है कोच है मेंटोर है सब कुछ है वो भी आने वाले हैं तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा मैं आ चुकी हूँ मैं आ चुकी हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैम और साथियों मैम मैम ने कीमती टाइम निकाले रचना मैम से मेरी बात हो रही थी बहुत बिजी है और जैसे ही आ रहे हैं तो मैम बहुत बहुत स्वागत है मैम बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत स्वागत है मैम थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच एंड आप बहुत अच्छा बोलते हो बहुत अच्छे लीडर हो बहुत भविष्य आपका सुना रहा है मेरी तरफ से बधाई कबूल करो थैंक यू और मैं मैं आई हूँ सचमुच मुनीष जी को शाबाशी देने के लिए वैसे भी मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारे हिंदुस्तान में बेस्ट लीडर है ना होम मीटिंग के बारे में बात करने के लिए उस लीडर मुनीष चोपड़ा जी ने आज आप सब लोगों को होम मीटिंग के बारे में सिखाया है जो जो सिखा रहे हैं ना वो करके सिखा रहे हैं इनके तो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप का पहले नाम रखा था थाउजेंड होम मीटिंग वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया टेन थाउजेंड होम मीटिंग जो है इनके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ये हमेशा से होम मीटिंग को बेस्ट टूल की तरह काम में लेते हैं और यही कारण है सारे हिंदुस्तान में इनके नेटवर्क बनते चले जा रहे हैं और आज बुनिया जो तुमने ट्रेनिंग करी है दैट इज फैंटास्टिक थैंक यू बहुत बहुत डिटेल में एक एक चीज और तुम्हारी कहानियों की तो मैं फैन हूँ मतलब अगर अगर तुम्हारी खाली जो तुम मीटिंग के एंड में कहानी सुनाते हो ना वो कहानी कहानी पे अगर कोई उसको कंपाइल कर लेना तो एक बुक बन सकती है तो एक तो तुम ये काम कर लो तुम ये बुक तो कंपाइल कर ही लो तुमसे नहीं होता मुझे कह दो मैं तुम्हारे नाम से कर, तुम्हारे लिए कर देती हूँ इस समय सारे हिंदुस्तान का भला हो जाएगा आज की भी कहानी मैंने सुनी भी नहीं थी और बहुत 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 काम की है और सच है कि भैया सीखने नहीं बैठना फील्ड सिखाता है सीखो सीखते जाओ करते जाओ करते जाओ सीखते जाओ कर करके सीखो सीख सीख के करो किसी दोनों में से किसी भी चीज के लिए हमें वेट नहीं करना है और सीखना बड़ी बात है पर उसको कर लेना वो और भी बड़ी बात है उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है अपने बड़े सपनों को बिल्ड करना होता है और फिर वो अपने आप को धक्का देकर के कमिटमेंट के साथ एक शेड्यूलिंग के साथ आगे बढ़ना होता है खुद होम मीटिंग करनी होती है और अपनी टीम के साथ होम मीटिंग करानी होती है होम मीटिंग चैंपियन बनाना होता है फैंटास्टिक मुनीश आई एम प्राउड ऑफ यू और एक और बात कहनी है तुमसे आज मैंने सुरेंद्र वर्ष के चैनल पर तुम्हारा जो इंटरव्यू आया है वो पार्ट में देखा है, है, है बहुत बहुत <laughs> अच्छा, बड़प्पन है तुम लोगों के तुम कहते ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना होता है वो सच है पर तुम बहुत सदे हुए बहुत मंजे हुए बहुत ग्राउंडेड बहुत हार्ड वर्किंग लीडर हो और ऐसे व्यक्ति का ही है जो मतलब तुम देख लेना हेलीकॉप्टर तुम्हारा फार्म हाउस तुम्हारा रिजोर्ट तुम्हारा तुम सब मोदी केयर से आएगा कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कि नहीं हो तुम्हारे पास हर चीज होगी बल्कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मोदी का पहला हेलीकॉप्टर मुनीष चौपड़ाई लेकर जाए मुझे, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा तुम हो ड्रीम बिल्डर तुम हो एक्शन बिल्डर विनर्स क्रिएटर आई एम सो प्राउड ऑफ यू और मैं पूरी टीम को यही कहना चाहूंगी इस होम मीटिंग की कमांडो ट्रेनिंग को बार 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 अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ डुप्लीकेट कराइए और फिर जो इससे लोगों ने सीखा है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है उसको होम मीटिंग में साथ के साथ एक्शन में उतारिए क्योंकि करेंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे कॉन्फिडेंट होंगे तो और करेंगे ये पॉजिटिव साइकिल एक होता है नेगेटिव साइकिल एक होता है पॉजिटिव साइकिल ये पॉजिटिव साइकिल बनाए जाओ आज की इस मीटिंग को बार बार डुप्लीकेट करो सो ऑल दी वेरी बेस्ट

आज का एक बात में... एक बात और एक बात और कहना चाहती हूँ yes. मैं दिन में आठ आठ होम मीटिंग कर लेती थी wow. एक एक रूट, रूट बना के चलती थी कि यहाँ पे पहले एक मीटिंग में मैं पहले तो मैं लोगों को सिखाती थी फिर उनकी मीटिंग में टेस्टिंग करने जाती थी तो एक की मीटिंग में शुरू में बोलती थी दूसरे की मीटिंग में एंड में बोलती थी फिर अगली मीटिंग में शुरू में बोलती थी फिर अगली मीटिंग में एंड में बोलती थी ऐसे करके एक वक्त ऐसा भी आया था जब भी मेरा कोई टारगेट आता है ना कि मुझे अब यह नया टारगेट लेना है तो मैं तो मैं होम मीटिंग ड्राइव पे निकल पड़ती हूँ तो घर टारगेट उसके सामने छोटा हो जाता है होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग पर एक बात बता दू इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने करवा चौथ पे भी होम मीटिंग करी है क्योंकि हमारे बेंगलोर में करवा चौथ नहीं बनता था और उसका नतीजा क्या हुआ देखो इस बात को समझो आज मैं 20 दिन से 18 दिन से जिंदल में नेचुरोपैथ सेंटर है वहां बैठी हुई हूँ दिन भर दिन भर में करीबन तीस हजार चलती हूँ आधे घंटे पौन घंटे स्विमिंग करती हूँ एक डेढ़ घंटा योगा करती हूँ अच्छी सी बिल्कुल हेल्दी डाइट खाती हूँ और मिट्टी की पट्टी लगती है रोज एक मसाज होती है रोज मतलब वो जो मसाज है ना एक, एक मसाज की अगर मैं कीमत बताऊ तो साढ़े तीन चार हजार रुपया है रोज एक मसाज होती है रोज एक वाटर ट्रीटमेंट होता है पैसा मतलब पानी की तरह बहता है टाइम भी है पैसा भी है तो जो होम मीटिंग करेगा ना उसको फाइनेंशियल फ्रीडम में मिलेगी और टाइम फ्रीडम भी मिलेगी आज मैं पूरी क्लोजिंग क्लोजिंग तक भी मैं पहुंचूंगी नहीं सब काम अपने आप अप चल रहा है ना तो अगर आप लोग भी ऐसी परमानेंट इनकम कमाना चाहते हो टाइम फ्रीडम कमाना चाहते हो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो बस दिल लगा करके मोदी केयर करो होम मीटिंग करो ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करो जैसे हमारी भगवान ने तारी है आपकी भी तारेगा आपके भी सारे सपने पूरे होंगे ऑल दी वेरी बेस्ट एक बार मैम के लिए सभी लीडर्स जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि मैम के मुंह से तो ज्ञान की अमृत धारा बरसती है लेकिन जो जितना समेट सका स, सकता है उसको समेटना चाहिए और ये ही मोदी केयर है सीखते रहना चाहिए मैम हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती है मैं हमेशा मैम का जो आर टी पी है दिल्ली जाके हम सब अटेंड भी करते हैं लेकिन जो एनर्जी होती है जो नॉलेज होती है वो कमाल की होती है तो साथियों सभी जोरदार हम हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया और डियर लीडर्स कल के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज और है आपके लिए वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल भी सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ आपको ज्वाइन होना है एक जबरदस्त नॉलेजेबल टॉपिक के साथ और वो सबसे बड़ी बात ये है कि जबरदस्त तो है लेकिन सबसे अच्छी बात है कि न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट भी है वो न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है हमारा जो वेल का जो जिम का जो है प्रोडक्ट जिम प्रोडक्ट है वेल के जो न्यूट्रिशन जिम प्रोडक्ट है उनके बारे में नॉलेज मिलने वाली है और सबसे अच्छी बात है उसकी हमें ट्रेनिंग मिलने वाली बहुत जबरदस्त बहुत डीपली नॉलेज जैसे आज होम मीटिंग की डीपली नॉलेज मिली उसी तरीके से उसकी भी हमें बहुत डीपली नॉलेज मिलने वाली है और वो ट्रेनिंग देंगे हमें अभिषेक जी गहलोत सर और आप जानते हैं कि अभिषेक जी सर हैं वो हमारे मोदी रीजनल ट्रेनिंग प्रोडक्ट है ट्रेनर है और सबसे कमाल की बात है बहुत जबरदस्त तो नॉलेज देते हैं जबरदस्त स्पीकर है तो साथियों कल की इस ट्रेनिंग को भी हमें नहीं भूलना है टाइम से हमें कनेक्ट होना है और सबसे अच्छी बात है जल्दी से कनेक्ट होना है अपनी पूरी टीम में इस मैसेज को प्रमोट करना है और ज्यादा से ज्यादा लीडर के साथ कनेक्ट होना है मैं कहता हूं जो चीज मिलती है उसको समेट लीजिए सीखने वाली जो चीज होती है वो कर, जितनी हो उतनी कम होती है मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग एक घंटे से इस ज़ूम सेशन में बहुत पेशेंस के साथ बैठे हैं बहुत एनर्जी के साथ बैठे हैं वो काबिल तारीफ है एक बार आपके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए और आज के इस ज़ूम सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं मैं कहना चाहूंगा गुड मॉर्निंग जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और लग जाइए और नाइस क्लोजिंग करिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच